हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हाजिर हैं एक और नए प्रोडक्ट के साथ जो घरों में आमतौर पर यूज होता है, हमारा इजी क्लीन मून अपेक्स कंपनी का, जिसको हम देसी भाषा में पोछा कहते हैं, जो आम घरों में यूज होता है और हाउस वाइफ का पसंदीदा प्रोडक्ट है। चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए और अनबॉक्सिंग वीडियो, और वीडियो को प्यास ला करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, यदि नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बाल्टी है, ये वो सिलेंडर है जिसे हम अटैच करेंगे। इसको सबसे पहले हम इसके अंदर से दिखाएंगे आपको। ये हमारे पोछा दिया हुआ है और ये एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसके साथ, क्योंकि ये ख़राब हो जाए तो हम इस दूसरे का यूज़ कर सकते आसानी से। और ये इसका अंदर पोर्शन है, यहाँ पर हम पानी डालेंगे वाटर, फिर हम इस जो ये दिया हुआ है इसके ऊपर इसको रखकर ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा और ये आला हो जाएगा। फिर हम इसको पैसा पानी सुखाने के लिए इस बॉक्स के अंदर रखेंगे, थोड़ा प्रेशर देंगे इसके अंदर, ये ऑटोमेटिक घूमने लग जाएगा, तो इसका पानी निकल जाएगा, फिर हम आसानी से पोछा लगा सकते हैं, ना ही ज़्यादा पानी होगा नहीं हो। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलो हम इसे असेंबल कैसे करते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले हम अपनी डंडी को, जो इसकी डंडी है, इसको जोड़ेंगे, ये ऐसे पकड़ी इसको और ऐसे इसके अंदर डालेंगे इस स्लॉट के अंदर, ये स्लॉट के अंदर ऐसे डला, ऐसे इसको असेंबल करेंगे। ये असेंबल हो चुका है, और ये यहाँ भी इसके अंदर लॉक लगता है, इस साइड लॉक खुल गया और इस साइड लॉक लग गया। अब हम इसको पोछे के अंदर असेंबल करेंगे। असेंबल होने लग रहा है, अब ये टाइट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, जिसको अनलॉक और अनलॉक आसानी से कर सकते हैं। देखो हम लोग इसमें जैसे हम इसके अंदर डालें और घूमने लग जाएगा और फिर हो गई। अब हम सुखाने के लिए इसके अंदर डालेंगे, सुखा सकते हैं हम आसानी से इसके अंदर, दो चार बार हमने घुमाया तो खुल जाएगा। फिर पोछ लगाने के लिए हम यहाँ पर इसे इसका लो लगा देंगे तो हम आसानी से पोछा लगा सकते हैं। नहीं, अब हमारा पोछा है, अब हम देखेंगे इसका
अलग एंगल से आपको दिखाएंगे। इसके अंदर से ये सुखाने के लिए है, पानी सुखाने के लिए भीगने के बाद। और ये यहाँ से हम ये पानी डालेंगे और यहाँ से हम पोछे को गीला करेंगे पोछा लगाने के लिए। और आपको नीचे ये पानी निकालने के लिए है, जिसको हम पानी निकाल सकते हैं पोछा लगाने के बाद। और ये इसके दो पहिए हैं, जिसको हम इसको अंदर बाहर ले जा सकते हैं बाल्टी को। चलो हम इसमें अब आपको बताते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे हम पोछा लगाते हैं, हाउ टू यूज। चलो हम इसमें अभी पानी डालते हैं, डाल पानी डाल के हम इसमें पोछा लगा के देखेंगे। अब इसमें हमारा पानी डल चुका है, अब हम इसको ये हमारा पोछा है आप हम इसके अंदर डालेंगे और इसको यहाँ पर प्रेशर देंगे और अब हम इसको पोछे को गीला करेंगे और दो चार बार इसमें प्रेशर दे यहाँ पर और कुछ नहीं करना। यूज करने में बहुत ही आसान है। अब हम इसको सुखाएंगे। अब ये सूखने जा रहा है पोछा लगाने से पहले। अब हम इसको ऐसे सुखाते हैं, ऐसे देंगे इसके अंदर दो चार बार में सूख जाएगा और पानी निकल जाएगा। और ये सूखने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे, जिसको हम आसानी से पोछा लगा सकें और ये डंडी यहाँ से हिले ना। यहाँ से लॉक हो चुकी है, अब हम पोछा लगाएंगे। अब हम पोछा लगाना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम आसानी से पोछा लगा सकते हैं। देखो फर्श पर हम आसानी से हम पोछा लगा सकते हैं। इसके साथ कावे पोछा लगा रही है। देखो अब हम इसको आसानी से ऐसे रोटेट कर सकते हैं। और दीवार पर लगाना हो पोछा या कुछ भी साफ करना हो, हम इसके साथ आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।